नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज। खरगोन में बस पुल से नदी में गिरी, 24 की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंगलवार सुबह एक यात्री बस के पुल के करीब 50 फीट नीचे सूखी नदी में गिर जाने से 24 लोगों की मौत हो गई और 18 से अधिक लोग घायल हो गए। दुर्घटना के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। हादसा इतनी गंभीर थी कि 15 लोग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में 9 महिला और 9 पुरुष, 3 बच्चे भी शामिल थे। मृतक खरगोन और बड़वानी के बताया जा रहे हैं। भीषण बस हादसे में जीवित बची 30 वर्षीय महिला रानू ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि वाहन यात्रियों से खचाखच भरा था और कई यात्रियों के टोकने से बावजूद चालक बस को तेज गति से चला रहा था। बस अपने तय समय से देरी से आई थी, इस कारण चालक बस तेज चला रहा था। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना सुबह करीब 9:15 बजे हुई। बस डोंगर गांव के पास दसंगा पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बोरदा नदी में गिर गई। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दी गई है। कृपया गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।